असंभव, इम्पॉसिबल, ये कुछ नहीं होता दोस्त, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं खाली। मैं आज आपको ईमानदारी से ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस दुनिया में असंभव नामक कोई शब्द ही नहीं। कोई भी मानव चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, सिर्फ विज्ञान सिर्फ पृथ्वी पर ही सीमित रह जाएंगे। डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया सन 1955 में। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, वो स्टेटमेंट पास था कि कोई भी मानव चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, विज्ञान सिर्फ पृथ्वी पर ही सीमित रह जाएगा। लेकिन एक बहरा इंसान आया, उनको इनकी बातें सुनाई नहीं दी और पहुंच गया अपना बस्ता लेकर के सन 1969 में। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नाम थोड़ा सा जैसा नाम हार्ड है ना, उसी एक काम भी किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लॉर्ड केल्विन, फारोन केल्विन। ये मशहूर वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पहले टाइम में बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास किया। इनका स्टेटमेंट पास था कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हवा में नहीं चल सकती, हवा में नहीं उड़ सकती, सिर्फ पक्षी ही है। पक्षी के अलावा कोई भी मानव, कोई भी वस्तु हवा में नहीं उछाला जा सकता, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वह ऊपर नहीं जा पाएगा, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच कर गिरा देगी। लेकिन इनको तमाचा मारा इन लोगों ने, इन्होंने लिख कर के दिया कि हम साइकिल के स्पेयर पार्ट से, वो भी किससे, साइकिल के स्पेयर पार्ट से हम लोगों को उड़ना सिखाया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से हमने लोगों को उड़ना सिखाया। 16 साल लग गए राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दिखा दिया उनको कि हम कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। इनको कहा गया कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। ये बात भौंरे के लिए कहा जाता है कि भौंरा वायु के सिद्धांत के कारण अपने जीवन की गति की दिशा नहीं मोड़ सकता। लेकिन भौंरा आज तक इस स्कूल में नहीं है ना, कैसे पता चलेगा। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। My doctor told me you will never walk again, but my mom told me you would and run again. मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपने माँ की बात मानी। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी माँ पे विश्वास किया और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीती इस विल्मा रुडोल्फ ने। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत साइंटिस्ट, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, फेमस वैज्ञानिक। अल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे, बच्चे थे, जब उनकी उम्र लगभग 8 साल की थी, वो बहुत ही मंदबुद्धि कहलाते थे बचपन में। उसके स्कूल से उसकी प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर दिया, वो लेटर जाकर उनकी माँ को देने के लिए। वो अल्बर्ट आइंस्टीन बच्चे थे, छोटे थे, वो आए अपने घर, वो लेटर अपनी माँ को दिया। उनकी माँ ने उस लेटर को खोला और पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का है, हमारा स्टाफ, हमारा स्कूल, हमारे टीचर इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसमें इतनी खूबियां, इतने ज्ञान भरे पड़े हैं कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, इसे आप खुद पढ़ाइए घर में। तो उनकी माँ ये खत पढ़ते पढ़ते रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े, बहुत टाइम हो गया, उनकी माँ का निधन हो गया। उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट बन चुके थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ये चीज अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखी। जब वो मकान शिफ्ट कर रहे थे न्यू, तब एक ड्रॉस में एक मिट्टी से सना हुआ एक लेटर मिला। वो उस लेटर को खोले, पूरा मिट्टी पड़ी थी, उसमें मिट्टियों को हटाया, धूल झड़ाया, उसके बाद उस लेटर को खोल करके देखा। उसे याद आया कि वही लेटर है जो बचपन में मैंने ये प्रिंसिपल द्वारा दिए गए, ये लेटर मैंने अपने माँ को दिए थे, हाँ ये वही लेटर था। उसके बाद उसने कोल्ड करा, उसको खोला, उसके बाद वो पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है, हम इसको पढ़ाते पढ़ाते थक चुके हैं, ये बहुत ही मंद बुद्धि है। तो ये पढ़ते पढ़ते अल्बर्ट आइंस्टीन चार चार होकर के रोने लग गए, क्योंकि उसकी माँ ने इसे उल्टा पढ़ा था कि तू कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तू नहीं कर सकता, तू सब चीजें कर सकता है। तो ये होता है दोस्त, कोई भी चीज ना
असंभव नहीं होती, असंभव बनाते उनको हमारी सोच। हम पहले से सोच डालते कि ये संभव है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तू नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ी ना सर, सब संभव है। करने वालों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, ये गांठ बांध करके रख लीजिए अपने दिमाग पे। करने वाले लोगों के लिए ना कोई भी काम असंभव नहीं होता सर। आप एक बार ठानिए, आप एक बार सोचिए, आप एक बार करिए, एक बार ये चीज सोच करके देखो, अपने पे अप्लाई करके देखो। जब तक तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल कोर्स मतलब तुम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तब तक तुम अपने नैन चाको तैन चाको सब त्यागना पड़ेगा यार। क्योंकि तुमको क्या करना है, तुमको सक्सेस होना है, तुमको आगे जाना है, तुमको आगे बढ़ना है। जो तुम सोचते हो तुम कर सकते हो, लेकिन उसको बस निकालना रहता है, उसको दिखाना रहता है, जो आप लोग करते नहीं हो। जब इन लोग कर सकते हैं, विल्मा रुडोल्फ कर सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग कर सकते हैं, रेड ब्रदर्स कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकता, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो जो एक कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है भाई। ये छोटे मोटे चीजें हम क्यों नहीं कर सकते। झांक की दोस्त एक बार अपने अंदर, निकालिए अपने अंदर की खूबियों और कर दिखाइए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। कसम से बोल रहा हूँ, जो आप कर सकते हो ना वो दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता यार।